हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रुति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अब लगभग हर जगह बारिश शुरू हो चुकी है और अब टाइम आएगा आपके लिए नए पौधों का, क्योंकि इस समय क्या है, मिट्टी नम रहेगी, मॉइस्चर रहेगा सॉयल में। तो चाहे ज़मीन की मिट्टी हो या गमलों वाली मिट्टी हो, सभी में जब नमी लगातार बनी रहेगी तो जो भी सीड्स होंगे, चाहे वो किसी भी प्लांट के हों, जैसे कॉस्मोस है, ये विंका है, जो सीड्स मिट्टी में गिरे हुए होंगे, चाहे वो हवा से उड़ के आए हों, चाहे वो पक्षियों द्वारा आए हों, तो वो सभी आपको जर्मिनेट होते हुए दिखेंगे। अब ये है चंदनिया का पौधा, जिसको बंदर की रोटी भी हम कहते हैं। आपने देखे होंगे उड़ के छत पे या ज़मीन पे, आपने देखे होंगे आ जाते हैं, इस तरह के होते हैं ये। तो इसमें एक छोटा सा सीड होता है, ये चिरौंजी जैसा होता है, इसको देसी चिरौंजी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ बंदर की रोटी इसको बोलते हैं, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसी के पौधे जगह जगह अब बन जाएंगे, तो ये भी अच्छे छायादार वृक्ष बन जाते हैं बड़े होकर। तो प्रकृति ने हरियाली फैलाने का इंतज़ाम खुद से कर रखा है। अब एक नया पौधा पता नहीं किस चीज़ का है, जर्मिनेट हो गया है, थोड़ा बड़ा होने पर पता चलेगा। ये बद्री तुलसा जी हैं, ये भी अपने आप ग्रो हुई हैं। जो सीड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं या पक्षियों द्वारा पहुंच जाते हैं, तो जब वो जर्मिनेट होते हैं तो इस तरह फ्री में नए पौधे मिल जाते हैं। साथ ही घास भी उग जाएगी इन दिनों गमलों में, तो उनको भी टाइम से हटाते रहें, क्योंकि खरपतवार हटाना ज़रूरी है गमलों में से। अब ये मदर ऑफ मिलियंस, जिसको मदर ऑफ थाउजेंड भी कहते हैं, इनके जो बेबीज होते हैं, तो ये हर पॉट में पहुंच जाते हैं, तो वहीं पे ये नया पौधा बन जाता है। इस तरह बहुत सारे पौधे हैं। आप देखिए इसी गुलाब के पॉट में भी, आप देखें गुलाब में कलियां अभी भी आ रही हैं, फूल थोड़े छोटे आ रहे हैं। तो इसमें ये जो है, ये तो एक वीड है, तो इसको बाहर हटा देते हैं। साथ ही बथुआ भी है, इसमें सीड्स बन रहे हैं, तो अभी इसके सीड्स गिरेंगे तभी जाके ये हमें फिर विंटर में बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं। एक अश्वगंधा का पौधा खुद से ग्रो हुआ है, ये भी बीज इसका आ गया होगा यहीं पे, क्योंकि अश्वगंधा के पौधे भी लगे हुए हैं। बाकी ये वीड्स जो होती हैं इनको आप हटा दें, और जो पौधे समझ नहीं आ रहे हैं उसको थोड़ा बड़ा होने दें। जैसे ही वो बड़े होंगे आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ का प्लांट है। बद्री तुलसा जी हैं, विंका है, वही चंदनिया जो अभी आपको दिखाई, बंदर की रोटी जिसको बोलते हैं, एक नया पौधा है वो पता नहीं किस चीज़ का है। तो जो समझ नहीं आए उसको आने दें, ग्रो होने दें। अब इसमें एक हुरहुर का पौधा है, इसकी फलियां और बीज सरसों जैसा होता है। काफ़ी व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि आप हमें इसके सीड्स भेज दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है, इतने व्यूअर्स हैं, हज़ारों व्यूअर्स हैं, आप सबको थोड़ी भेज सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है। हम केवल आपको प्लांट्स की जानकारी शेयर करते हैं, वही आप लीजिए, बाकी प्लांट्स तो हम ना सेल करते हैं ना भेज सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है सबको भेज पाना। तो ये इसके सीड्स हैं, तो इसके बारे में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रे लिली सीड से भी पहुंच जाती है, और छोटे से छोटा बल्ब मिट्टी में जाए वो भी ग्रोथ कर जाता है। अब एक नया पौधा है, अब ये देखते हैं ये किस चीज़ का है, समझ में नहीं आ रहा, घास तो नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं थोड़ा बड़ा होगा तब पता चलेगा कि ये क्या है। बाकी विंका जगह जगह बहुत सारे ग्रो हो गए हैं, इनसे नए नए पौधे बना सकते हैं। ये क्यूकामेलन का बेबी प्लांट है। अब देखिए पिटूनिया इन दिनों ग्रो हो रहा है, तो ये जो है ये देसी पिटूनिया है, हर मौसम में ये ग्रो हो जाता है, फ्लावर्स देता है। जो हाइब्रिड वाली होती है वो विंटर में फ्लावरिंग करती है। और तुलसी जी भी, बद्री तुलसा जी हैं या श्यामा और रामा तुलसा जी हैं, वो भी जगह जगह ग्रो हो गई हैं। देसी पोर्चुला का भी अपने आप ग्रो हो गया है, जो बहुत छोटे फूल होते हैं, इसकी किसी दिन आपसे वीडियो शेयर करेंगे। अब देखिए ये जूही के बेबी प्लांट्स बन गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है सीड से, बेबी प्लांट से भी नए नए पौधे बनते रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं तुलसी जी के पौधे के बारे में। काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि तुलसी जी की मंजरी कट कर देनी चाहिए, यानी जो सीड्स बनते हैं, तो उनसे और अच्छी और घनी ग्रोथ होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स आपको रखने चाहिए जिसमें सीड्स बनने देना चाहिए, क्योंकि तभी तो जब सीजन आएगा तो उनसे नए नए पौधे बनेंगे। नहीं तो अगर आप मंजरी कट कर देंगे, यानी जो सीड्स बन रहे हैं उनको कट कर देंगे, तो वो फिर नए पौधे कैसे बनेंगे। तो अभी आपने श्यामा तुलसा जी देखी, और ये है रामा तुलसा जी, इनकी जो इस पे भी मंजरी बनने लगी है, इनको भी हम आने देते हैं, क्योंकि इन्हीं से नए नए पौधे बनेंगे। जब बीज गिरेंगे तो इसको कुछ प्लांट्स पे हम इनके सीड्स आने देते हैं। बाकी इन्हीं के बराबर में एक बद्री तुलसी जी भी हैं, जो कि बद्री तुलसी जी पे भी सीड्स बन रहे हैं, और तीन तरह की तुलसी जी अभी हमारे पास हैं। एक थाई बेजल भी है, जिसके बारे में वीडियो शेयर किया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जो पूजा वाला पौधा है उसको हमने अलग रखा हुआ है, वहाँ से मंजरी हटा देते हैं, जिनसे वो लगातार घना बना रहता है। लेकिन बाकी जो जगह जगह पौधे लगे हुए हैं उन पे हमने सीड्स बनने को रहने दिए हैं। अब ये झड़ जाएंगे और इन्हीं से ही नए पौधे अपने आप बनते रहेंगे, और इस तरह कभी आपके गार्डन से ये प्लांट खत्म नहीं होगा। या जो भी पौधे हैं, अगर उनके बीज झड़ जाते हैं तो वो खत्म नहीं होंगे, सीजन आने पर अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे और फ्री में आपको काफी सारे पौधे मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो है ये सूख के झड़ चुके हैं, तो इसीलिए रेनी
सीजन में आपको क्या करना है, जो वीड्स हैं उनको आप हटा दीजिए, लेकिन जो पौधा समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा ग्रोथ करने दीजिए। आप फोटो भी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। बाकी ये देखिए टर्टल वाइन थी, इसकी कुछ पत्तियां झड़ गई थी इसके पास रखे गमले में, अब उन्हीं पत्तियों से इसमें नए नए पौधे बनने लगे हैं अपने आप। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल आपको देना ज़रूरी होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां गिर जाने पर उन्हीं से ही वो बेल तैयार हो जाती है। और ऐसे ही आपने देखा होगा टर्टल वाइन आपके हर पॉट में अपने आप कैसे ग्रो हो जाती है, तो वो ऐसे ही कि पत्तियां पहुंच जाती हैं। अब एक छोटा सा अपराजिता का पौधा भी ग्रो हो गया है, जो कि इसमें देखिए छोटी सी बास्केट है और इसमें फूल भी देना ये शुरू कर चुका है। बहुत छोटा सा प्लांट है, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं हो रही है, क्योंकि टर्टल वाइन को कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती, उसी में ये अपने आप ग्रो हो गया और फ्लावर्स दे रहा है। छुई मुई के पौधे हर पॉट में लगभग ग्रो हो चुके हैं, इसमें भी बहुत सारे बीज बनते हैं। और एक ये सेलोशिया का प्लांट, ये भी इसमें अपने आप ग्रो हुआ है, इसमें आगे जाके ये जो कॉक्सकॉम की वैरायटी होती है तो ये फ्लावर देगा। तो इस तरह से आज बताना था कि रेनी सीजन शुरू हो चुका है, अब आपको फ्री में पौधे इस तरह से मिल जाएंगे। थैंक यू।